अगर आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे चैनल पर आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कुक विद इकरा में आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, आप लोग देख सकते हैं। अभी अभी मैं सो के उठी हूँ और बस मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आज अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर की जाए। तो ये मेरे घर का लॉन है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें माशाल्लाह से पौधे देखें आप लोग, इससे बहुत ही गुड वाइब्स आती हैं, एनर्जी मिलती है। सुबह के टाइम जब हम बाहर खड़े होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें और बहुत फ्रेश एयर भी होती है। लेकिन थोड़ा सा सनी डे है लेकिन इट्स ओके, लेकिन बहुत अच्छा लगता है डेली यहाँ आना। और ये मेरा किचन आ गया है, अगर आप लोग देख सकते हैं। कभी आप लोगों ने मेरा किचन नहीं देखा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं आप लोगों को अपना किचन टूर कराऊंगी, सब कुछ होगा। अभी तो यहाँ बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए, लेकिन अभी ये गीले हैं तो अभी मैं इनको नहीं रख सकती हूँ। इनको मैं रखूँगी जब ये सूख जाएंगे, वरना किचन में कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं गीले बर्तनों से। इनको पूरी तरह से सुखाने के बाद मैं अपने कॉबर्ड्स में ऑर्गेनाइज कर दूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता, तो नाश्ते की तैयारी की तरफ चलते हैं। नाश्ते में तो सबसे पहले चाय ही बनती है, तो ये मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है और अब हम इसको उबलने देंगे। उसके बाद पत्ती डालेंगे और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह की चाय पीना पसंद है, क्योंकि यूजुअली लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं, माइल्ड पीते हैं, हमारे घर में तो स्ट्रॉन्ग चाय बनती है। तो अब मैं एक मज़ेदार सी स्ट्रॉन्ग चाय बनाने जा रही हूँ और आगे आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगी मेरी मॉर्निंग रूटीन। बस चाय उबलने के बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारी चाय में मैंने दूध ऐड कर दिया है और अब मज़ेदार सा इसमें उबाल आ रहा है। हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी लंच रूटीन। जी तो अभी मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों को अपना लंच दिखा दूँ जो मैं अभी अपने लंच में बना रही हूँ। आज मैंने दलिया बनाया है, ये चिकन दलिया होता है, बिल्कुल हलीम की तरह ये बनता है। सॉरी मैं इसकी रेसिपी कम्प्लीटली आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ़ थी और जल्दी जल्दी बस चढ़ा दिया था। बहुत ही आसान होता है ये बनाना। अभी इसमें मैंने देखें थोड़ी सी सीजनिंग करी है, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये सब कुछ डाला है, लेकिन बहुत सिंपल होता है इसको। चिकन का हम सूप जिस तरह से बनाते हैं वो बना के, और अभी मैं इसका भगार तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इसका ये भगार है जो ये बन रहा है। प्याज से इसको हम भगाएंगे, प्याज और ज़ीरे से। तो अभी ये खाली प्याज लाल हो रही है। और अगर आप लोगों को इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत वर्बरी सा बता देती हूँ। चिकन का सूप तैयार जिस तरह हम करते हैं चिकन की यखनी, वो बना के उसमें बस सिंपली जो दलिया होता है, जो टूटा हुआ दलिया होता है, वो डाल के पका लिया। थोड़ी देर में वो पक जाएगा, फिर उसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाली है बस मैंने, और थोड़ी से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो आपको नज़र आ रही होगी, और बॉयल चिकन को मैंने श्रेड करके इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा हम इसको घोटते जाएंगे जिस तरह से मैं अभी घोट रही हूँ इसको, और घोटते घोटते हम इसे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दलिया हम लोग खाते हैं, जैसे हलीम हम लोग खाते हैं, ये बिल्कुल हलीम की तरह लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और जब इस पर भगार लग जाता है तो वो तो फिर और ही मज़ेदार हो जाता है। और कलर देखें, थिकनेस देखें, ये कितना अच्छा बना है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और अगर आप लोगों को मेरी ये रूटीन्स अच्छी लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे अपनी रूटीन्स को ही कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे अपनी रेसिपीज़ को ही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि मैं रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी थोड़ी बहुत, जैसे अभी मैंने आपके साथ ये एक सिंपल सी रेसिपी शेयर की है, बहुत ही मज़ेदार। दोपहर को खाने का तो इसका मज़ा ही कुछ और है। ये देखें प्याज हल्की फुल्की हमारी लाल हो गई है, अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए और लाल हो गई है, अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद हम दोनों चीज़ों को थोड़ा भूनेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से लाल हो जाएं। जब ये पूरा कंप्लीट इसका भगार रेडी हो जाएगा फिर हम उसके बाद इसको अपने दलिया में डालेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा।
और अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको भगाड़ दिया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करूँगी चाट मसाले की। ये देखें इस तरह से, ये तो आप लोगों का टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इसके ऊपर जो कुछ डालना चाहें, तली हुई प्याज, जो हम लोग हलीम में डालते हैं सारे मसाले, वो आप लोग जैसा डालना चाहें डालें। इसमें मैंने अभी थोड़ा सा चाट मसाला, तो अब वक्त है इसको खाने का और अब हम इसे खाने जा रहे हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, अदरक, ये सारी चीज़ें डालेंगे हम, और नींबू डाल दूँगी मैं, नींबू डाल रहे हैं। और ये नींबू मेरे अपने दरख्त के हैं, घर के बहुत ही ज़बरदस्त नींबू हैं और इसकी खुशबू तो बस लाजवाब होती है। और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, ये देखें, ये हैं मेरे घर के लेमन्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। हम इसे लाइम समझते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, बट ये लेमन ही है, रखने से ये येलो हो जाते हैं। ये देखें इस वक्त ये येलो हो चुका है, लेकिन जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये ग्रीन ही होता है। तो अब वक्त है इसको खाने का और ये रात के खाने की तैयारी हो चुकी है और अब मैंने बिरयानी बनाने वाली हूँ आज मैं। और बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसमें मैंने खड़े मसाले, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, ये सब डाले हैं। और ये मैं बीफ की बिरयानी बना रही हूँ। मैरिनेट करके बनाने से ये आसानी हो जाती है कि बीफ काला नहीं होता और वो बिल्कुल अपने रंग पर रहता है, खुश रंग रहता है। और इसी के साथ साथ मैंने एक ब्लेंडर लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सब कुछ डाला है। मेरे पास आज पिसा हुआ लहसुन अदरक ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने ऐसी फ्रेश डाल लिया है। और अब मैं इसको ब्लेंडर में पीस लूँगी और इसके साथ साथ मैं इसमें एक पपीता भी डालूँगी। ये रहा पपीता, पपीता बहुत छोटा है क्योंकि ये मेरे अपने घर का पपीता है। पपीता डालने से ये आसानी हो जाती है कि गोश्त जल्दी गल जाएगा। मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है, वरना प्रेशर कुकर में तो बहुत जल्दी गल जाता है, वरना ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो लग ही जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी बनाना होता है। तो इसलिए मैं पपीता डाल दूँगी ताकि जल्दी से मीट गल जाए और फटाफट बन जाए। बस अब मैं इसको काटने वाली हूँ, काटने के बाद मैं इसको ब्लेंडर में पीसूंगी। ये देखिए ये कट चुका है और अब इसमें डालकर मुझे पीसना है और पीसने के बाद इसको मुझे बिरयानी के मसाले में डालना है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी लाइट गई हुई थी तो मैं इस वक्त पीस नहीं सकी, इसको मैं बाद में पीसूंगी। पीसने के बाद मैं इसको इस मसाले में डाल दूंगी। ये रात के खाने की तैयारी हो चुकी है और अब मैंने तो अब लाइट आने का इंतज़ार हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारी लाइट गई हुई है, मेरा थोड़ा सा काम भी पेंडिंग रह गया है लाइट की वजह से। मुझे ब्लेंडर चलाना है जिसके लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक लाइट नहीं आती हम लोग बैठे हुए हैं, बातें करते हैं थोड़ी देर। ये घड़ी दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि 7 बजे लाइट गई थी और 8:05 हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। अल्लाह का करम है 1 घंटे पर लाइट आ जाती है, इंशाल्लाह आने ही वाली होगी। और किस किस को लोड शेडिंग का आजकल सामना करना पड़ रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के एरिया में भी लाइट जारी है या नहीं जारी। कराची में तो आजकल थोड़ी थोड़ी लोड शेडिंग का इश्यू है, लेकिन कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर ली जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलें, बस लाइट भी आने वाली है और ये लाइट आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और हम करते हैं अपना बाकी का काम, जो बिरयानी बन रही है और मुझे ब्लेंडर चलाना है। तो चलो मैं आप इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि मैं अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर सकूँ और आगे चलकर मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। जो इसको पीस लिया है और इसको एक बोल में निकाल लिया है, अब इसमें दही डलेगा। दही के साथ साथ मैं इसमें टमाटर डालूँगी, 3 टमाटर काफ़ी रहेंगे इतने जितना मैंने राइस लिए हैं। अब मैंने इसमें दही डाल दिया है, मसाले को मैंने थोड़ा सा पहले ही पका लिया था। अब इसके अंदर ये सारी जो मैंने पेस्ट पीसा हुआ है ये पेस्ट डाल दिया है।
पेस्ट डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मीट हमारा गल सके। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया है। मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए थे, 3 टमाटर जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे वो मैंने अच्छी तरह से कट करके इसमें डाले और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए मसाले की शक्ल बिल्कुल इस तरह से खुश रंग निकलेगी। और ये देखिए अगर ये अभी मैं आप लोगों को इसकी एक बोटी दिखा रही हूँ, कितना अच्छा कलर है ना, बिल्कुल डार्क हुआ है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनका बीफ का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। अगर आप लोग इस तरह से सोन के बिरयानी चढ़ाएंगे तो आपका मीट कभी भी काला नहीं होगा, वो हमेशा अपनी शक्ल पे बरकरार पिंक कलर का रहेगा, क्योंकि बिरयानी में पिंक कलर जो है वो बोटियों का बहुत अच्छा लगता है, काला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर बोटियाँ काली हो जाती हैं तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी और खुश शक्ल बिरयानी नहीं लगती। और ये देखिए मैंने अभी चावलों का पानी उबाल लिया है, मैं इसमें चावल डालूँगी, लेकिन उससे पहले नमक शामिल कर देंगे। नमक हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसमें पानी में, क्योंकि जब हम चावल पसा देते हैं सारा पानी ड्रेन ऑफ हो जाता है तो नमक भी सारा निकल जाता है हमारी बिरयानी के चावलों में से। तो ये देखिए बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, माशाल्लाह से कितने प्यारे इसमें रंग आए हैं, ऑरेंज है, येलो है। मैं हमेशा बिरयानी में 2 कलर के रंग डालती हूँ और ऊपर से जो मसाला है वो तो आप लोगों को पता ही है, देगी बिरयानी का मसाला डाला है मैंने। बाकी अब मैं इसको चला रही हूँ, चलाने से आप देख सकते हैं वाइट चावल, येलो चावल और ऑरेंज कलर, ये सब बहुत ही कलरफुल सी माशाल्लाह बिरयानी लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे यहाँ ऐसी शादियों में बिरयानी बनाई जाती है जिसका नाम होता है रसीली बिरयानी, एक मखसूस बिरयानी होती है जिसको गाय के गोश्त से ही बनाया जाता है और वो बिल्कुल इसी तरह से होती है, गोश्त का रंग बिल्कुल हल्के कलर का होता है और चावलों में एक बहुत अच्छा सा ग्लॉस आ रहा होता है। तो ये देखिए हमने अभी निकाल लिया है खाना और अब हम लोग खाना खाने लगे हैं रात का। तो अब मैं इसको अपनी प्लेट में निकालूंगी और सैलेड मैंने साथ में बनाई हुई है, सिंपल प्याज है, खीरा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सैलेड बिरयानी के साथ खाना। और अगर आप लोगों को रायता बनाना है तो आप लोग साथ में रायता भी बना सकते हैं। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह से शाद आबाद रखे हमेशा, अल्लाह ताला सबकी रिस्क में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लगें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट से हम लोगों को बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, आप लोगों के कॉमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, तो हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना कर लाएँगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।